एडवेंचर की। तो लीजिए पहला एडवेंचर हो गया, मैं पता नहीं बड़ा फ्लाइट के ना सब चले गए बस मैं बचने हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ अरीज, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगर अभी आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ टाइम से मैंने व्लॉग्स डालने फिर से शुरू किए हैं। एंड डू लेट मी नो हाउ एम आई डूइंग विद माई व्लॉग्स। सो जनाब, आज हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ, और सोचा इस सफ़र को भी क्यों ना एक व्लॉग में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि आई बिलीव हर सफ़र अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। एंड देखते हैं कैसा रहता है, हाउ फन और हाउ एडवेंचरस इट्स गोना बी। कैब आने में 56 मिनट। मैं बसान, दिस इज़ अ वेरी गुड सिस्टम यहाँ पर ना, एक ऐप है ब्लू स्मार्ट, यू कैन प्री बुक द कैब एंड क्वाइट रीजनेबल रेट ते हंस बेशक डिस्काउंट्स कूपन्स ते आसानी है ना, सो नफर ना ही मजबाल न खतर। सो जब तक वो डिस्काउंट्स है तब तक ऐप यूज़ कर लो। तो हाँ जी, चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता सफ़र। आई सी यू। हाँ जी, तो इससे पहले मैं बात कर रही थी एडवेंचर की। तो लीजिए पहला एडवेंचर हो गया, मैं चुका हूँ चार्जर मशीन कह रही। तो थैंक गॉड कैब वाले भैया इज़ वेरी नाइस एंड इन्होंने माना। तो अभी बस 2 मिनट में माय ब्रदर इज़ गेटिंग द चार्जर, शुक्र है। तो हम एक जगह पर रुके हुए हैं, आई एम वेटिंग फॉर हिम। इसीलिए नियर नविस गसन थामिन यस मगस बराबर पेट चुने घर थी या मैं चार्जर कैसे। तो इसीलिए घर पे फिर प्रॉब्लम हो जाती, मैं चार्जर के बगैर फंस जाती 5 दिन। आई हैड टू बाय अ न्यू चार्जर कश्मीर में, जो अगेन एक कॉस्टली अफेयर हो जाता। थैंक गॉड मुझे अभी ही याद आ गया। सो निकलने के टाइम दिमाग 6 सेंसेस नहीं 7 सेंसेस से काम लिया करें, एंड सो दैट आपका जो ट्रैवल है वो एडवेंचर में ना बदले। फिलहाल मेरा पहला एडवेंचर शुरू हो गया। थैंक यू भाई साहब, तकलीफ माफ। हाँ, तो हमारा चार्जर आ गया है बंगरवंच में। आख टेंशन कि कहीं चार्जर के चक्कर में मैं एयरपोर्ट लेट ना पहुंच जाऊं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी, हम पहुंच गए एयरपोर्ट मगर मैं चुबासान मेमा को थोड़ा लेट। तो ये मैं यहाँ से गेट से अंदर जा रही हूँ एंड आई सी यू ऑन द अदर साइड। पता नहीं बड़ा टाइम फ्लाइट के ना, वो पता चल जाएगा। सो थैंक गॉड बोर्डिंग पास ले लिया हमने, एंड अब हम जा रहे हैं दूसरे साइड की तरफ जहाँ पे एस्ट बे खुशकत अच्छा काम खुशकत ऐसा एयरपोर्ट पर जाए चेकिंग करा बेस जाए चेकिंग। ठीक है जी, मैं शुभासन एस्ट एक्चुअली मैंने अंदर सामित वन थे सेफ जोनस मस यूस ये सुना ये तनी शिकस आसान ये मुझे लिटरली बेलट तान करना हुआ इंसान बिजे जब कम बलाई छी खैर वन ठीक है। तो ये जी आ गए हम एयरपोर्ट के अंदर। लेट मी गिव यू अ व्यू प्रॉपर। पुंछ में ठीक ठाक टाइम बोर्डिंग गसन ब्रो, और मे बहुत वारे ज़्यादा कैस के बच्चा सुले द्राम गए थोड़ा गयो टाइम चार्जर उस पे प्यारुन चार्जरन से नहीं आज मरित मैं तो खटकार मा गो चार्जर के मारे। नेक्स्ट स्टेप एज यूजल अपना गेट चेक करो कौन सा है। कोई शो एयरपोर्ट वाले बोर्ड मगर बामरी उम के अगर तुम फर्स्ट टाइम तुझे कोई जनी ट्रैवल करा ये तन से साइन बोर्ड आसान लग के तो भले पूछो पैट पूजा करो पैट पूजा।
जी बहुजन हो गया, मेरी बोर्डिंग में अभी भी आधा घंटा 40 मिनट है, तो आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर द प्रेयर रूम, क्योंकि यहाँ पे प्रेयर रूम डेफिनेटली होता है। आई विल सी इफ आई कैन ऑफर नमाज, बिकॉज अभी टाइम है और घर से मैं नमाज से पहले निकली थी। लेट्स सी। बीच में जहाज मज एंड आज इस वक्त में एयरपोर्ट्स पे बड़ा मज़ बड़ा असल पर गुजरे वक्त आज कैसे कि आज समझो में बड़ा म्यूट नफर आके एयरपोर्ट्स पे, जिसकी वजह से मेरा टाइम निकल गया और जिनने मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे आइडियाशंस हुई उनके साथ। आई गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स वायर आई कैम म्यूल हिच नस्तमंदिश वारे झूठ बहासरूर के मन से। फिलहाल के लिए वी आर रेडी फॉर द डिपार्चर एंड आई नीड टू इन श्रीनगर। चाहे कुछ भी बोलो कशीर बन ना कोई नहीं, इंसान जो ताज गसान ये हवा चत हैव अ लुक, वाओ द क्लियर स्काई फाइनली। हाँ सो दिल हुंद पोल्यूशन एंड बाकी सारी चीज़ें, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइनली हेयर। और आप देख रहे हैं कि मैंने जैकेट लगाया, जी हाँ बिल्कुल, ये चल एक्टिंग चालान के बिकॉज बंद छुमिंट। अब हम करेंगे अपना लगेज कलेक्ट, फिर बाहर दिमो गाइड मस भरो सामान तो वातो घर को। सब चले गए बस मैं बची हूँ, लेकिन मेरा सामान कहाँ है? मैं जो शायद सामान रहूँ तो भाई सब चले गए और मेरा सामान कहीं नहीं है, सामान की खोज करनी पड़ेगी। लेट्स सी। नहीं कहाँ आया? हाँ वो है, छू 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 म्यूल म्यूल म्यूल। ने लगेज भी कलेक्ट कर लिया है एंड नाउ इट इज टाइम कि पाने था हमारे पास। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी कितनी आवाज़ आ रही है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत लाउड बोलूँ, एम पच में क्रैक दूँ। फाइनली मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट से बाहर और अपनी सरजमीन पे कदम रखने वाले हैं। लेट्स सी कि घर कैसे पहुँचना है। अब सो इन द मीन टाइम मैं घर जाने का बंदोबस्त करूँ। आई एम श्योर अबू लेने आए होंगे एंड मैं उनको जितने टाइम में ढूंढूँ। बिहू तो खुदा सवाल, अपना ख्याल रखे, इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ताला की मर्जी रही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपने रब का कितना भी शुक्र अदा करूँ ना इस सरजमीं के लिए, इस खूबसूरत सी सरजमीं के लिए, उतना कम है। और फिर आप जैसे खूबसूरत लोगों का जो मुझे कदम कदम पे हमेशा इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत से नवाजते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं। ये आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका बड़प्पन है।
थैंक यू सो मच आप सबको जो भी मुझे एयरपोर्ट पे मिले, जिनने इतनी मोहब्बत से नवाजा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, ऐसे ही मोहब्बत से नवाजते रहें और दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका।